यू कैन नॉट मूव देयर बॉडी, जस्ट मूव बैक वो वाला टच करना है, उसके ऊपर भी जाना है. You want me to go further? मैं इंट्रोडक्शन देता हूं आपकी चैनल. अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू द चैनल. आई होप आप सब अच्छे से हैं. आज हम जा रहे हैं बारामूला. बारामूला में एक खूबसूरत जगह पड़ती है जिसका नाम है हाजीबल. दो चीजों से मशहूर है, एक तो ये है कि यहाँ पे पोटैटो फार्म जो है कश्मीर का माना जाता है, और दूसरा ये वाहिद ऐसी जगह है जहाँ पे ना मार्कहोर्स को देखने को मिलते हैं. पाक भाई की जो है निंजा 400 आ चुकी है, मेरे पास KTM 390 एडवेंचर. हम लोग अक्सर अपनी राइड साथ में करते हैं. आई होप कि आज आप ना एंजॉय करोगे. वीडियो को एंड तक देखिएगा, आपको मजा आने वाला है. It's going to take me around an hour to reach out to Fahim's place. Let's catch Fahim in next hour or so. Office mein bhi ab bahut zyada kaam badh gaya hai, to kaam aur motorcycle dono pe focus barabar, kyunki work is worship. Abhi Fahim aur mere beech mein 16 km ka faasla hai. We just exchanged our location so that we can meet each other in the minimum possible time. Oh, chache, tera helmet kahan hai? Nobody is bothered about helmets. After 900 meters, I got to take a right turn. This is Sopot Bridge. Fahim thoda confusion mein hai. Google Maps ka location tap karke. ETA is around 15 minutes. Wow, what a view. I love it. And that is Mr. Fahim. Oh, how you doing? Thoda side. Adventures of Fahim. I'll have something to eat here. There he is. Agar jaldi jaldi se nikalenge fir, kyunki fir time lagna hai aur. Ye aa gayi hamari biryani. Aaye kabhi baazman biryani? It's good. Not that much spicy as it seems like. Chale finish kare pehle. MashaAllah. बेडूज मुझे बोलो मधुमती नाला किधर है? एडवेंचर्स ऑफ फहीम. एडवेंचर्स ऑफ फहीम. फहीम भाई छा गए. हम लेते हैं लेफ्ट टर्न ऑफ हाजीबल के लिए. यहाँ से बहुत ही पुराना आर्किटेक्चर है, डाउनटाउन की याद दिला देता है. पराठे हलवाई वाले यहाँ पर, ये भी आपको डाउनटाउन का फील देगा. वो हाइट लेनी है ऊपर की ओर. यहाँ से हम राइट ले लेंगे. Check out the first view. वो वाला टच करना है, उसके ऊपर भी जाना है. आगे देख लो क्या कर रहा है ये. ये तो एकदम काट रहा है भाई. क्या कटाई कर रहे हो इसकी? जो स्टार्ट सीजन होता है उसमें इस जगह को विजिट करना एक अलग ही लुत्फ है. और मेरे साथ एज ऑलवेज फहीम. वेलकम बैक टू द चैनल. में भी अभी तक मजा आया आपके. आप वीडियो को एंडिंग एन एप्पल अ डे कीप्स डॉक्टर अवे. आप सबसे रिक्वेस्ट है कि रोज एक सेब ना एटलीस्ट खाया करें. मैं भी तो खा लूं. आप खा लो यार. तो इससे क्या है कि एक तो हमारी इकोनॉमी जो है वो इंशाल्लाह बूस्ट हो जाएगी, और साथ में हमारी सेहत पे ना इसका अच्छा खासा असर देखने को मिलेगा. मैंने लास्ट टाइम यहाँ से मोटरसाइकिल उतारा था. अभी जितनी ग्रीनरी आप देख रहे हो यहाँ पर, दिस इज अभी तो ऑटम सीजन की शुरुआत है, बट जब पूरा स्प्रिंग सीजन होता है तो इसके तो क्या कहने. पूरा एकदम लश ग्रीन है, एकदम ना आपकी आंखों में एक तरावसी छा जाती है. नजर होनी चाहिए ना देखने की. व्यूज चारों ओर होते हैं. आप देख सकते हो वहां से जो है वो इको पार्क है जो नीचे लगी हुई है. ये सारा जहलम है, वो वहाँ से रोड है. एंड क्या कहने,
I've been to this place before on my KTM 390 adventure. Now I'm again to this place on my Ninja 400. It feels great every time I visit this place. I think it's my third time such a treat twice. Let's not forget the fact that, you know, it's not possible to take out full power out of this beast on the road here in Kashmir. Yo, what have you? Oh, you cannot move there, buddy. Just move back, move back. The sun is going to set in a while. Let's move now. I don't want to lose the visuals. Riding together is an experience, and when you ride it with your best friend, I mean, he's like a brother to me, it's a different feeling. There's a connect between the riders. For him and me, we spent almost many years together. There is a connect between us, a strong bond developed during our rides. We never lose each other, whatever the situation be. We're always together riding rock solid. और एक बात फहीम के साथ मेरा अलग ही एक इमोशनल अटैचमेंट भी है. बी इट ये कभी राइड मेरे साथ करे या मैं कभी इनके साथ राइड ना करूं, वी नेवर नो टेक दोस थिंग्स एट अवर हार्ट. वी आर ऑलवेज हैप्पी विद हाउ द लाइफ ट्रीट्स अस. दिस इज द बेस्ट थिंग अबाउट अस. हाँ बहुत, हाँ व्यूज तो बहुत ही क्लासिक है. स्टिल वी आर गोइंग अप. कोई दिक्कत नहीं है, मैं देख रहा हूँ ना. आसना शरीफ थोड़ा ऊपर है, बताता हूँ वो भी. मेरा तो मन कर रहा है कि मैं आज रात को यहीं पे रह रहूं. मस्जिद शरीफ, हाँ, का यहाँ का जो मेन ऑक्यूपेशन लोगों का है वो खटास का है. देखो मकान कैसे है यहाँ पर. वो कहाँ से ले जाने वाला हूँ फहीम भाई. आई डोंट नो कि मेरा मोटरसाइकिल जा पाएगा तो, बट मैं तो इसको छोड़ने वाला हूँ नहीं. हाँ है तो गया था भाई. See, you can keep on riding. If you want me, I can take you along. See. You want me to go further?
अभी इसकी स्टेबिलिटी चेक होगी रे। तो ये थे हाजीबल के व्यूज। अब देख सकते हैं कि पीछे का नजारा कैसा है। दो हमने जो अपनी जर्नी है बहुत ही लेट शुरू कर दी, बट नेवरदेलेस इट्स ऑलवेज ए गुड एक्सपीरियंस टू राइड विद मिस्टर फहीम। मजा आया आज राइड करने में, क्योंकि ऑटम के जो कलर्स हैं ना वो आने शुरू हो गए, और जिसकी वजह से ना हमें पर्सनली मज़ा बहुत ज़्यादा आया। आपको भी मज़ा आ गया होगा। सीन ही कुछ ऐसे थे कि मैं बताऊं कि शाम के 6 होने को है और हमारा मन नहीं कर रहा है कि हम लोग घर जाएंगे। करते हैं आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म। अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा तो एक लाइक दबा दीजिएगा। अगर आप चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नए किसी अच्छे से वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।